हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज तारीख है 10 सितंबर 2020। चलिए 8 सितंबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज देख लेते हैं। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया होगा, वहां जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या तो मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। साथ में आप क्यूज भी खेल सकते हैं, वहां जीके जीएस करंट अफेयर्स मैथ और रीजनिंग का एवरीडे क्यूज होता है। और हाँ दोस्तों, इस चैनल पे अगर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने का बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को और प्रेस जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रत्येक ऑप्शन का एवरी डिटेल मिल जाएगा दोस्तों, जो कि किसी भी चैनल पे नहीं मिल पाता है। आप एक बार वीडियो को देखिए, पसंद जरूर आएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को क्वेश्चन नंबर 1 से। हाल ही में एप्पल का पहला फ्लोटिंग स्टोर कहाँ लॉन्च होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंगापुर। चलिए इसका कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। एप्पल अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर सिंगापुर में खोलने जा रही है। एप्पल का फ्लोटिंग स्टोर सिंगापुर के मरीना वे सैंड्स रिसोर्ट में होगा। यह सिंगापुर में एप्पल का तीसरा खुदरा स्टोर होगा। स्टोर में एक गोलाकार कांच का गुंबदनुमा ढांचा है, जो पूरी तरह से स्वयं पर टिका है और कांच के 114 टुकड़े से बना है, जो संरचनात्मक संयोजन हेतु केवल 10 संकीर्ण ऊर्ध्वाधर मूलियनों के साथ रखे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर दूसरा है, हाल ही में किस राज्य में जैविक खाद प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। श्रीमती केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने उत्तर प्रदेश में जैविक खाद प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया है। इस खाद प्रसंस्करण इकाई के उद्घाटन के साथ 5,000 किसान लाभान्वित होंगे और इससे 50.33 करोड़ रुपये का निवेश का लाभ उठाने की उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने यूजी पाठ्यक्रमों के लिए आपका मित्र चैटवो लॉन्च किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा। चलिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नए शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए सरकारी सहायता प्राप्त और स्वयं वित्त पोषित कॉलेज में अंडर ग्रेड यूजी पाठ्यक्रमों के लिए शैक्षिक व्हाट्सएप चैटबॉट आपका मित्र इसका नाम है और ऑनलाइन प्रवेश मंच लॉन्च किया है। आपका मित्र छात्रों के प्रवेश संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए अपनी तरह का पहला शैक्षिक व्हाट्सएप चैटबॉट है। हरियाणा, आप हरियाणा के बारे में सब कुछ जान लीजिए। हरियाणा, इसका राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य, जिला 21, वहाँ का जिला की टोटल संख्या है 21, विधानसभा का टोटल संख्या है 90, लोकसभा का 10, राज्यसभा का 5। पंजाब, जिसका राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री है अमरिंदर सिंह, राज्यपाल है बीपी सिंह बदनौर, जिला 17, विधानसभा 117, लोकसभा 13 और राज्यसभा 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वीर सावरकर के नाम पर बने फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। तो चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने बेंगलुरु में वीर सावरकर फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है। शहर के मेजर संदीप उन्नीकृष्णन रोड पर बने 400 मीटर लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन बेंगलुरु के नागरिक निकाय बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका BBMP ने 34 करोड़ रुपए की लागत से फ्लाईओवर का निर्माण किया। फ्लाईओवर के निर्माण की परियोजना सितंबर 2017 से शुरू हुई थी। राजस्थान, जिसकी राजधानी है जयपुर, मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत, राजस्थान का राज्यपाल है कलराज मिश्र, राजस्थान का राज्य दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को, जिला की संख्या है टोटल 33, विधानसभा सदस्यों की संख्या है टोटल 200, लोकसभा सदस्यों की संख्या है टोटल 25, राज्यसभा सदस्यों की संख्या है टोटल 10। कर्नाटक, तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। कर्नाटक, जिसकी राजधानी है बेंगलोर, मुख्यमंत्री है बी एस
येदियुरप्पा राज्यपाल हैं, वजूभाई वाला। जिला की संख्या है 30, विधानसभा सदस्यों की संख्या 224, विधानसभा परिषद की संख्या है 75, लोकसभा सदस्यों की संख्या है 28 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजी CIPET कहाँ दो कौशल एवं तकनीकी सहायता केंद्र CSTS स्थापित करेगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों, वाराणसी और भागलपुर दोनों। चलिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी CIPET भागलपुर बिहार और वाराणसी उत्तर प्रदेश में दो कौशल एवं तकनीकी सहायता केंद्र CSTS स्थापित करेगा। केंद्र पेट्रोकेमिकल्स और समृद्ध उद्योगों में लाभकारी रोजगार हेतु डिप्लोमा और कौशल विकास कार्यक्रम के माध्यमिक से प्रतिवर्ष 100 युवाओं को प्रशिक्षित करेगी। यह नए और मौजूदा उद्योगों के विकास में मदद करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस बैंक ने सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड जारी किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। बैंक ऑफ इंडिया ने 115वें स्थापना दिवस के अवसर पर सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड नामक इंटरनेशनल कॉन्टेक्टलेस डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। इस उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्ति इसे उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्ति के लिए लॉन्च किया गया है जो 10 लाख रुपये और उससे अधिक की औसत तिमाही मतलब 3 माह में जमा राशि रखते हैं। इसमें POS तथा ई कॉमर्स पर 5 लाख रुपये और ATM पर 1 लाख रुपये तक की खर्च सीमा के साथ धोखाधड़ी वाले लेन देन पर बीमा सुविधा है। चलिए बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं। MD और CEO है अटानु कुमार दास। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। फंडेड हुआ था 7 सितंबर 1906 में। इसका टैग है, ये बैंक का टैग है, रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। HDFC के बारे में जान लेते हैं। HDFC बैंक का MD और CEO है आदित्य पुरी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसका टैग है वी अंडरस्टूड योर वर्ल्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर डेविड एटनबरो को। महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। सर डेविड एटनबरो को वर्ष 2019 के प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह एक अंग्रेजी प्रसारक और इतिहासकार हैं। वह BBC नेचुरल हिस्ट्री यूनिट को लिखने और प्रस्तुत करने के लिए लोकप्रिय हैं। उन्होंने ग्रह की जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए जागरूक करने का काम किया। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है। इसे इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा 1986 से हर साल सम्मानित किया जाता है। इसमें 25 लाख रुपए का मौद्रिक पुरस्कार शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में कौन ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनिल जैन। महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। अखिल भारतीय टेनिस संघ AIETA ने अनिल जैन को अपना नया अध्यक्ष चुना, जबकि अनिल धूपर को महासचिव चुना गया है। भारत के डेविड कप कप्तान रोहित राजपाल को 2024 तक 4 साल के कार्यकाल तक के लिए कोषाध्याय के रूप में चुना गया था। सभी पदाधिकारियों के साथ ही नई कार्यकारी समिति के सदस्य निर्विरोध चुने गए थे। अनिल जैन AITA अध्यक्ष के रूप में प्रवीण महाजन के स्थान लेंगे। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन फाउंडेड मार्च 1920। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन हेडक्वार्टर RK खन्ना टेनिस स्टेडियम दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में भारतीय रेडियो खगोलीय विज्ञान के जनक गोविंद स्वरूप का निधन कितने वर्ष की उम्र में हुआ?
तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 91 साल। 91 साल की उम्र में भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान के जनक गोविंद स्वरूप का निधन हो गया है। महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं, भारत के रेडियो खगोलीय विज्ञान के जनक गोविंद स्वरूप का निधन, उनका जन्म 23 मार्च 1929 को ठाकुर द्वारा संयुक्त प्राप्त ब्रिटिश भारत अब उत्तर प्रदेश में हुआ था। मतलब जो संयुक्त राज्य ब्रिटिश भारत था वो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता था। वह टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स के राष्ट्रीय केंद्र के संस्थापक निदेशक थे। गोविंद स्वरूप ऊंटी रेडियो टेलीस्कोप भारत और विशालकाय मिटूबी रेडियो टेलीस्कोप GMSRT के अवधारणा डिजाइन और स्थापना के पीछे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जिन्होंने रेडियो खगोल विज्ञान अनुसंधान के लिए अग्रणी देशों में से एक के रूप में भारत की स्थापना की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में जयप्रकाश रेड्डी का गुंगटूर में निधन हो गया, वो कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तेलुगु अभिनेता थे जयप्रकाश रेड्डी। बहुमुखी प्रतिभावन अभिनेता जयप्रकाश रेड्डी 74 वर्ष की उम्र में इनका डेथ हो गया है। 74 वर्षीय का आंध्र प्रदेश के गुंगटूर में इनके आवास पर हृदय गति रुकने से निधन हो गया, यानी हार्ट अटैक से इनका निधन हो गया है। उन्हें सिनेमा और थिएटर में अपने खलनायक और हास्य किरदारों के लिए जाना जाता था। वह प्रेमी चुंकुदम रा, समर सिम्होरेड्डी, नरसिम्हा नायडू और अन्य फिल्मों में खलनायक के किरदार में दिखाई दिए। उन्होंने नुब्बू बस्तांते, निनो दंता, कीक और कई फिल्मों में हास भूमिकाएं निभाई हैं। तो दोस्तों यहाँ का सारा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था वो समाप्त हो चुका है। अब आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, पसंद आया कि नहीं पसंद आया। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करना ना भूले। ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक पहुंच सके। दोस्तों प्लीज कुछ हेल्प कीजिए, मैं भी आपका हेल्प कर रहा हूँ, कुछ मेरा भी हेल्प कीजिए। और हाँ दोस्तों, चैनल पे नए आए हैं, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, क्योंकि ऐसा चैनल दोबारा आपको हो सकता है नहीं मिले दोस्तों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने का बेल आइकन आता है, बेल आइकन को और भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का सामना नोटिफिकेशन आपको पल पल मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।